नववर्ष 2019 में किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, जिसके तहत अनेक किसानों ने जाखल तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अंत में किसानों ने सरकार से मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ पूरे जिले में प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों का यह धरना 2 जनवरी तक जारी रहेगा। किसान राम स्वरूप ने बताया कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उप तहसील जाखल में धरना दिया है तथा ये धरना 2 दिन चलेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, फसल बीमा योजना बंद करने बारे, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, उप तहसील जाखल में नायाब तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति, खग्गर नदी में कंपनी द्वारा छोड़े जा रहे दूषित पानी को रोकने के बारे में अलावा अन्य और भी मांगे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में टोहाना, भुना, कुला के अलावा 24 जनवरी को जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी जाखल के नायाब तहसीलदार को सौंपा जाएगा। इस बात को लेकर के है कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, किसान की फसल का 1.5 गुना भाव दिया जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसान को लूटने के लिए लागू की गई है उसको रद्द किया जाए, आवारा पशुओं का पर रोक स्थायी रूप से लगाई जाए, और जो यहाँ बुना यहाँ दाखिल के तहसील के अंदर जो तहसीलदार नहीं है, यहाँ पर तहसीलदार को जहाँ पर भी तहसीलदार नहीं है उनके तमाम नए सिरे से नियुक्ति की जाए, और इसी तरीके से जो आपने जो घग्गर नदी है उसके अंदर जो गंदा पानी दवाइयाँ डाली जाती हैं वो प्रदूषित किया हुआ है, उसका सुधार करके उस पानी के अंदर जो दवाई डालना और गंदगी डालना उसको रोका जाए। इसी तरीके से जो किसान के खातर की खाद लेने के लिए आता है यूरिया खाद के लिए, जो उसके साथ में जो दवाई देना या दूसरी चीज़ देना वो गलत है, उसको पर रोक लगाए, और जिनकी जाँच पड़ताल कर ली गई उनका ऊपर जो है उन किसानों को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये धरना आज और कल 2 दिन का तो यहाँ दाखिल के अंदर है, इसके बाद में हमारा धरना 8 तारीख को कुला होगा, उसके बाद में 15 तारीख को बुन्ना और 16 तारीख को बट्ठू, और इसी तरीके से 21 तारीख को टोहाना के अंदर धरना होगा, उसके बाद में रतिया के अंदर हम 3 तारीख को मीटिंग करके फैसला करेंगे, और उसके बाद में 24 के ऊपर ज्ञापन भी दिया जाएगा। ज्ञापन तहसीलदार साहब को हमने कहा आज भी दे दें कल भी। सतबीर सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है जिसे नियमानुसार जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे किसानों ने धरना दिया हुआ है, धरने की वजह उन्होंने आज ज्ञापन दिया, ज्ञापन में खराब फसलों के बारे में, तहसीलदार नायब स्थायी नियुक्ति के बारे में, सुविधाओं के बारे में इन्होंने मांग की है, वो ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।